नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल गवर्नमेंट न्यूज़ में। दोस्तों आज आ चुकी है हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, हाई कोर्ट इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए ग्रुप डी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना, आज आपको सरकारी नौकरी और रोजगार समाचार आपके पास लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको बताएंगे नोटिस निकल चुकी है हाई कोर्ट की तरफ से, भयंकर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आप ऑफिशियली आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बेसिक जानकारी दिखा दें तो दोस्तों हाई कोर्ट की तरफ से कुल 10,000 पदों पे दोस्तों भर्ती निकल कर आ रही है, जो पूरे भारत के लोग भरेंगे फॉर्म। महिला और पुरुष हैं अगर आप, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप 10वीं पास है तो हाई कोर्ट में 10वीं पास के लिए 10,000 पदों पे भर्ती आवेदन 18 से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, एक महीने तक ये भर्ती चलेगी और उसके बाद आपको बिना परीक्षा के केवल आपको फॉर्म भर लेना है और आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। दोस्तों विस्तृत में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा, इसके अलावा किस किस वर्ग के लोग फॉर्म भरेंगे, जी हाँ दोस्तों योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, ये सभी जानकारी ले लेना है। शैक्षणिक योग्यता में अगर आपके पास 10वीं में कितने नंबर आए कि आप फॉर्म डायरेक्टली आपका नौकरी लग जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे, और फॉर्म कैसे भरना है सारी जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए। दोस्तों आपको बता दें कि कुल पद जो है वो 18 साल से लेकर 45 साल के वर्ष जो है ये पूरे फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, इसलिए आप ध्यान से ये फॉर्म भरेंगे। दोस्तों हाईकोर्ट भर्ती फॉर्म 2021 की हम लोग ऑफिशियल पेज पर है और ऑफिशियली वेबसाइट हम आपको दिखाएंगे। तो बस आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को फटाक से एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 10,000 पदों पे ये भर्ती निकल कर आ रही है, इसका फॉर्म हम आपको तुरंत बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे और ये है ऑफिशियली पीडीएफ जो कि 26/10/2021 को आ चुका है। और दोस्तों आप देख सकते हैं सत्र न्यायालय यानी हाई कोर्ट की तरफ से चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों चौकीदार, जलवाहन माली और स्वीपर के पदों पे भयंकर भर्ती निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सीधी भर्ती है हेतु 2021 की विज्ञापन है और ये 9/11/2021 से ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। दोस्तों फॉर्म का अंतिम तिथि 24/11/2021 है और ये हाईकोर्ट की भर्ती है। दोस्तों इसमें बता दें कि अगर आप इसमें ड्राइवर की पोस्ट भी आपको मिलेगा, इच्छुक अभ्यर्थी जो है वो भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली, स्वीपर के लिए अन्य अन्य पदों पे दोस्तों कई सारे पदों पे आवेदन है, वो है 10,000। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों अभ्यर्थी जो है पूरे भारत से कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों पे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है पोस्ट दिया गया है, कौन कौन से राज्य के लोग ये फॉर्म के लिए, कौन कौन से पोस्ट खाली है, वो सारे फॉर्म का यहां पर ब्यौरा दिया हुआ है। अब आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि नीचे आएंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको जान लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर आप आएंगे तो ये पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम आपको तरीका बताएंगे। अब दोस्तों कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहां पर चौकीदार, जलवाहक और माली स्वीपर के लिए केवल 8वीं पास मांगी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है कर्मचारी हेतु फॉर्म भरना चाहेंगे, इसमें भी दोस्तों ग्रुप डी लेवल के जो फॉर्म है उसके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये दो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कोई भी 2-व्हीलर की लाइसेंस होनी चाहिए और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, मतलब भारत सरकार की तरफ से जो लाइसेंस बनता है वो होनी चाहिए, वैध लाइसेंस और 10वीं पास होनी चाहिए। दोस्तों वेतनमान जो है वो आपको कलेक्ट्रेट रेट से होगा, मतलब 20-25-30 हज़ार रुपये तो आपको आसानी से बनेगा। दोस्तों ये ऑफिशियल फॉर्म के बारे में आपको बता दें, ये फॉर्म में आप जो है बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के दोस्तों आप ये फॉर्म में आवेदन करेंगे और दोस्तों आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके बाद बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत न्यायालय में ये आपकी भर्ती होगी और न्यायालय की गाड़ी आपको चलानी होगी। आइए दोस्तों अब हम आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताएंगे, बस इस आप जो है रीड कर लेंगे, ये पीडीएफ आप भी ध्यान से पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, पुरुष जो भी लोग हैं अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो वो 40 साल की उम्र ध्यान रखेंगे। पुरुष जो है वो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिक वगैरह पहले से हैं तो 45 साल उम्र है पुरुष, और ये सब जितने अनुसूचित जनजाति वाले 45 साल, पुरुष जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सैनिक जो है वो 45 साल। दोस्तों महिला आवेदक जो करेंगे वो 45 साल उम्र होनी चाहिए उनके पास, और महिला आवेदिका अगर वो पहले से शादीशुदा हैं, तलाकशुदा हैं, और दोस्तों अगर सैनिक में रह चुकी हैं तो 45 साल उम्र मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी जो है जो भी जो है ये अगर अभ्यर्थी फॉर्म जो है वो 40 साल तक निर्धारित की गई है, तो अगर आप भी 40 साल तक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फीस दोस्तों केवल और केवल दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं केवल 100 रुपये लगेगा, महिला है तो 0 रुपीज फॉर्म लगेगा। अब आइए दोस्तों अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि फॉर्म भरने का पूरा तरीका आपको ऑनलाइन भरना है और यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, बस बने रहिए हमारे साथ। अब आइए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियली आपको क्या क्या रहना चाहिए। आपके पास ओरिजिनल आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, केवल और केवल आपको 30 नंबर आपके पास रिजल्ट 10वीं की कक्षा में आपका 30 नंबर होना ही चाहिए, यानी कि दोस्तों 30%
प्रतिशत नंबर आपका होना चाहिए 10वीं में, इसके बाद वाले ही फॉर्म भरेंगे। 30% से नीचे जो है अभ्यर्थी मेरिट के लिस्ट पर दोस्तों आपका आधार पर रिजल्ट बनेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियली यहां पर देख सकते हैं ये फॉर्म है। अब आइए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में, विभागीय ऑफिशियल वेबसाइट कहां पे है तो वो हम आपको दिखा दें। तो दोस्तों यहां पर आपको दिखा दें कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको दिखा देना चाहते हैं। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो दिखा देना चाहते हैं, फिर से आप देख लीजिए। ड्राइवर, पियोन, वॉचमैन और वाटरमैन, स्वीपर के लिए दोस्तों विभागीय ऑफिशियल कितना फॉर्म है वो सब आप देख सकते हैं। फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहा है 9/11/2021 से। फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन भरेंगे, और दोस्तों केवल और केवल अगर आप 8वीं और 10वीं पास हो तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 10th की आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरा पोस्ट आपके सामने निर्धारित कर दिया गया है। अब दोस्तों एज लिमिट 18 से 40, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आइए डायरेक्टली आपको फॉर्म का तरीका बता देता हूं कैसे फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों यहां पर आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई करने का बटन ये है। तो दोस्तों ये जो है विभाग जो है कौन सी है, तो ये आपकी सरकारी नौकरी है। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश यहां पर आएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑफिशियली दोस्तों यहां से ही 9/11/2021 से दोस्तों यहां पर जो है आपका फॉर्म का लिंक जो है वो खुल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट यहां से खुल जाएगा। लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस विभाग के ऑफिशियल लिंक वाले हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। ऑफिशियल विभाग के वेबसाइट पे आप जाएंगे, नीचे की ओर आप आएंगे दोस्तों, यहां पर आप नीचे की ओर आप आएंगे तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने यहां पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहां पर आप दूसरे नंबर पोस्ट देख सकते हैं, 26/10/2021 को ये विभाग की तरफ से ये ऑफिशियल फॉर्म निकाला गया है, जो कि आप यहां पर आप देख सकते हैं यही फॉर्म है। और यही पीडीएफ आप जो है ऑफिशियली वेबसाइट की मदद से भी आप पढ़ पाएंगे। ऐसे मैं आपको बता ही दिया कि दोस्तों ये फॉर्म आप इस वीडियो के नीचे लिंक पर जाएंगे, वहां से फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक करके दिखाता हूं आपको कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑफिशियली फॉर्म खुलकर आ जाएगा। रीडाउनलोड मैं कर ले रहा हूं, और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फॉर्म का पूरा फॉर्म जो है वो फिर से खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये है फॉर्म, और फॉर्म जो है आप जो है घर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्म भरना कैसे है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की तरफ से, जबलपुर की तरफ से विज्ञापन निकाला गया है, और 26/10/11 को यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी है यहां पर चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, जिसमें जलवाहक, माली, स्वीपर इन सबके लिए 8वीं पास मांगी गई है, और कलेक्ट्रेट के लिए यहां पर कर्मचारी के लिए जो वैकेंसी उसमें 10वीं पास मांगी गई है। फॉर्म जो है आप जो है ध्यान से यहां पर देख लेंगे कि प्रारंभ होने की तिथि 9/11/2021 है, लास्ट डेट जो है वो 24/11/2021 है। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये बता देना चाहता हूं, जो भी लोग ये फॉर्म भरेंगे सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि अगर वो 8वीं कक्षा पास है तो 8वीं की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपकी किसी प्रकार की रिजल्ट होनी चाहिए, और 10वीं पास है तो दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी 10वीं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि आप अपने राज्य, आप किस जिले में यह काम करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो यहां पर आपका जिला भी दिया है, तो उस जिले के अनुसार उस फॉर्म को आप भरेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बेसिक जानकारी मैं आपको यह बता दूं कि दोस्तों यह फॉर्म जो है यही फॉर्म है, अगर आपका 12 तारीख से स्टार्ट होता तो आपको 18 तारीख से दोस्तों यह फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर लेंगे, ना परीक्षा होगी ना इंटरव्यू होगी। दोस्तों महिलाओं की पुरुष फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 45 उम्र है, और 10वीं पास वालों के लिए बड़ा मौका है। फॉर्म भरने का दोस्तों तरीका है मैंने आपको बता ही दिया, और दोस्तों फॉर्म जो है कैसे मिलेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को फटाक से एक प्यारा सा लाइक जो है वो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद नए हैं चैनल पर तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फॉर्म भर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी जाइए और फॉर्म पे नोटिफिकेशन चेकआउट करिए। धन्यवाद।